स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री द लिविंग वर्ल्ड 11 बायोलॉजी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. वो ये कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता, कि मतलब बस एक सिंगल स्टेप प्रोसेस ऐसा नहीं है, उसमें कई स्टेप्स होते हैं. ठीक है, कई रैंक और कैटेगरी में आपको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना होता है, तो इसमें हायरार्की इन्वॉल्व होती है स्टेप्स की. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. उसने बोला है क्योंकि जो category है वो एक part है पूरे taxonomic arrangement का. ठीक है, ये जो category होती है ये पूरे taxonomic arrangement का part है, इसलिए इसको हम बोलते हैं taxonomic category. और ये जितनी भी categories हैं जब हम इसको साथ में रखते हैं एक साथ में तो उसको हम बोलते हैं taxonomic hierarchy. ठीक है, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एज टैक्सॉन. मतलब उसने क्या बोला है, जित एक हर कैटेगरी की बात करते हैं, ये जो कैटेगरी होती है ये रेफर करती है एक यूनिट क्लासिफिकेशन की. ठीक है, कि ये जो कैटेगरी पर्टिकुलर अगर मैं एक की बात कर रही हूँ तो एक छोटी सी यूनिट है क्लासिफिकेशन की जिसको मैंने माना है. इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. तो कई बार मैं कैटेगरी को टैक्सॉन या फिर एक रैंक की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, अब मूव करते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स. इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकोगनाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी. अब उसने क्या बोला, अगर मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्की को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझूँ तो इंसेक्ट को मैं लेती हूँ कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिकली, मेरे दिमाग में ये इमेज आएगी जिनका फीचर्स वो शेयर करते हैं जैसे कि थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग, कि उनके पास थ्री पेयर होते हैं जॉइंट लेग्स के. ठीक है, इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल है, मैं उनको पहचान सकती हूँ, उनके क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो क्लासिफाई कर पाऊँ या फिर मैं उनको एक रैंक या कैटेगरी दे पाऊँ उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे. इसका उसने बोला, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो ये हायरार्की बता रहा है कि जो ग्रुप होते हैं सारे अलग अलग वो कैटेगरी दिखाते हैं. ठीक है, फिर कैटेगरी इकट्ठा बाद में रैंक दिखाती है और फिर जो रैंक होती है या टैक्सॉन होता है वो एक छोटी सी यूनिट रिप्रेजेंट करता है क्लासिफिकेशन की. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. उसने क्या बोला, ये जो taxonomic groups होते हैं या categories होती हैं ये biological entities होती हैं और ये सिर्फ morphological aggregates नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से नाम दे दिया है कि morphologically इस तरह से बोलते हैं, नहीं, हर एक category या group क्या है उसकी अपनी एक अलग biological entity है. देखो इसको और अगर समझना है तो अभी नेक्स्ट पेज पे हम और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे. अभी वो कह रहा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. मतलब कि अगर हम स्टडी करें, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करें सारे ऑर्गेनिजम्स की, तो उससे हमें पता चला है कॉमन कैटेगरीज जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सारी हमने कैटेगरी अलग अलग बना दी है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग जो प्लांट्स में होते हैं या एनिमल किंगडम्स में होते हैं उनके अंदर ऐसी स्पीसीज हैं और एज द लोएस्ट कैटेगरी. ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम्स हैं उनकी स्पीसीज क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं, किंगडम बना दिया, फाइलम, डिवीजन. अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे मुझे एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस करना है. बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स. जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है या जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स क्या हैं. जब हमें उसके कैरेक्टर्स पता होंगे तो हम उसको ईजिली किसी और कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द
उससे हम सिमिलैरिटी और जो डिसिमिलैरिटी है अमंग इंडिविजुअल्स उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम उसका पता लगा सकते हैं एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, कि अगर कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी है तो उसको एक ग्रुप में डालना है, अगर डिसिमिलैरिटी है तो उसको अलग ग्रुप में डालना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज अ स्पीसीज। मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडीज में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल का ग्रुप है जिसकी जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर उनके बीच में अगर कई सारी सिमिलैरिटी हैं तो हम इसको स्पीसीज कंसिडर करते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। एक जो स्पीसीज है हम उसको दूसरी स्पीसीज से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उनके डिफरेंसेस क्या हैं मॉर्फोलॉजिकल, मतलब वो बाहरी किस तरह से अलग अलग दिख रहे हैं। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो। मतलब उसने क्या लिया, मैंगो का एग्जाम्पल लिया, पोटैटो का एग्जाम्पल लिया और लायन का एग्जाम्पल लिया, जिनके तीनों के नाम जो है इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो वो स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है, और जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा, सोलानम एंड पैंथेरा वो जेनर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने अभी पिछले पार्ट में नॉमनक्लेचर में पढ़ा था। एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, और ये अलग ही लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। उसने क्या बोला, एक जीनस में, हर जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है जो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, बट उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होंगी। फॉर एग्जांपल, इसको जो ऊपर की लाइन में इसको समझाती हूँ, इस एग्जांपल से, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। मतलब ये जो पैंथेरा लियो है इसका एक और होता है पैंथेरा टाइग्रिस, एंड सोलानम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोनगेना। मतलब यहाँ पे ट्यूबरसम है, जैसे सोलानम ट्यूबरसम, उसके अलावा और भी होता है, जैसे कि सोलानम के बाद आता है नाइग्रम और मेलोंगेना। तो वो यही कह रहा है कि ये हो सकता है कि जीनस सेम हो बट उसकी अलग अलग क्या कहते हैं, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग अलग हो, जैसे कि पैंथेरा लियो एंड आपका एक और एग्जाम्पल हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसमें जो टाइग्रिस और लियो है वो आपके स्पेसिफिक एपिथेट हैं जो जीनस के, एक ही जीनस के अलग अलग हैं। Human being belong to the species sapien which is grouped in the genus homo. मतलब human being belong करते हैं कौन सी species से, sapien species से, क्योंकि homo sapiens हम उन्हें बोलते हैं, और वो किस genus में डाला गया है, homo में डाला गया है। The scientific name thus for human being is returned as homo sapiens. इसलिए जो scientific name humans के लिए use हुआ है that is homo sapiens. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera. उसने क्या बोला, genus के अंदर क्या होता है, group of related species होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा more character common होते हैं as compared to species of other genera. मतलब दूसरे genera की species के comparison में जो उसके अंदर जितनी भी species आती हैं वो same होती हैं। We can say that genera are aggregates of closely related species. कि genera क्या होता है, group होता है कई related species का। जैसे कि अगर मैं लूं, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलानम। कि अगर बात करूं पोटैटो की और ब्रिंजल की, दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं बट ये सेम जीनस से बिलोंग करती हैं, दैट इज सोलानम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे कि सोलानो ट्यूबरसम किसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो का। लियो, लायन एंड लेपॉर्ड एंड टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस पैंथेरा। तो यहाँ पे जो जीनस है वो पैंथेरा है और जो पीछे की स्पीसीज हैं दैट इज डिफरेंट। तो जीनस में क्या होता है, रिलेटेड स्पीसीज होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होती है जिनके एक से ज़्यादा कैरेक्टर कई बार सेम होते हैं। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। अब ये जो जीनस है ये डिफरेंशिएट मतलब अलग करता है इन तीनों को किसके बेसिस पे, एक और जीनस से जो है फेलिस। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। Now let's move to the family. The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarity as compared to genus and species. जो next category है family, उसमें क्या होते हैं, related genera आते हैं, still less number of similarity as compared to genus and species. मतलब उनके बीच में उतनी similarity नहीं होती जितनी genus और species में होती है, लेकिन जो genus उनके अंदर आते हैं, जो genera उनके अंदर आते हैं, वो अलग अलग होते हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. Families को हम किस basis पे characterize करते हैं, किस basis पे पहचानते हैं कि जो उनके vegetative या फिर reproductive feature हैं जो plant species के, उसके basis पे हम family को characterize करते हैं या पहचानते हैं।
Among plant, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. अब उसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मैं प्लांट को लेके चलूँ तो तीन तरह के जेनर होते हैं, सोलानम हो गया, पिट्यूनिया हो गया और धतूरा हो गया, ये हम एक फैमिली में डालते हैं सोलानेशिया फैमिली में, ठीक है. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis in the family Felidea. मतलब एक ही family, कौन सी family? Felidea family में Panthera को डाला गया और Felis को डाला गया. तो यहाँ पे same family के अंदर different genus को डाला गया है, ठीक है. तो family क्या होता है? Group of related genera. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarity and some as well. उसने क्या बोला? अगर आप observe करोगे कुछ feature cat या dog के, तो आपको पता चलेगा, you will find some similarity and कुछ differences. दोनों आपको मिल जाएंगे. They are separated into two different families, Felidea and Canidea respectively. ठीक है? दोनों को अलग-अलग families में डाला गया है. तो family के अंदर अलग-अलग थोड़े से genus आते हैं, जो थोड़े से different हैं. ठीक है? अगर मैं लेके चलूँ ऑर्डर को, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर. मतलब ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि कैटेगरीज, जैसे कि मैं बात करूँ स्पीसीज की, जीनस की, फैमिलीज की, मैं इनको सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे देखती हूँ कि कौन से सिमिलर कैरेक्टर हैं. ठीक है? तो उसने क्या बोला, ऑर्डर बींग अ हाईली कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विद विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. ऑर्डर के अंदर कुछ फैमिलीज आती हैं जिनके कैरेक्टर सेम हों. जैसे जो हायर क्लास होती है ना, जैसे कि ऑर्डर में कौन सी आ गई, ऐसी रिलेटेड फैमिलीज आ गई. ऐसी फैमिली में क्या आ गया, रिलेटेड जीनस आ गए. जीनस के अंदर क्या आ गया, रिलेटेड स्पीसीज आ गई. तो वो यही चीज़ कह रहा है कि आपका क्या कहते हैं, जो हायर कैटेगरी होती है उसके उसमें आप जो थोड़े से लिंक्ड वाले नीचे वाली कैटेगरी होती है उनको डालते हो. तो सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वल्शिया, सोलानेशिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर. जैसे कि जो प्लांट फैमिलीज होती हैं ये वाली सारी, ये किस में इंक्लूड होती हैं, ऑर्डर्स में, जिनको हम बोलते हैं जो बेस्ड होती हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे. तो ऑर्डर के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा लिंक्ड फैमिली. जो फैमिली आपस में लिंक्ड हैं वो इसके अंदर आएंगी. ठीक है? द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडिया एंड कैनिडिया. इसके अंदर जो कार्निवोरा ऑर्डर है उसके अंदर फैमिलीज कैसी आएंगी, फेलिडिया या कैनिडिया. ठीक है? सेम मान के चलते हैं क्लास को, क्लास के अंदर आएंगे रिलेटेड ऑर्डर्स. जैसे कि अब अगर मैं एग्जाम्पल लिया है, मैं ऑर्डर लू प्रिमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class mammalia along with order carnivora that include animals like tiger, cat and dog. यानी कि इसके अंदर क्या किया, जो ऑर्डर है प्रिमेटा, ठीक है, एक ऑर्डर लिया है प्रिमेटा का, उसको डाला गया है ऑर्डर कार्निवोरा के साथ जिसके अंदर एनिमल है टाइगर, कैट और डॉग. ठीक है? तो क्लास क्या हो गया, ऐसा कैटेगरी हो गया जिसमें जो लिंक्ड थोड़े बहुत किसी बेसिस पे जो लिंक्ड ऑर्डर्स हैं वो डाल दें. तो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. क्लास मैमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. अब ये जो मैमिलिया क्लास है उसके अंदर और ऑर्डर्स भी आते हैं. सिमिलरली फाइलम में क्या आते हैं, फाइलम में वो आते हैं जिसमें कई मतलब लिंक्ड क्लास होती हैं. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल कॉन्स्टिट्यूट द हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. इसमें अंदर कुछ क्लासेस आएंगी जो आप इसमें डालोगे. ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डाटा. ये सारी की सारी फीचर्स पे, कॉमन फीचर जैसे कि प्रेजेंस हो गई नोटोकॉर्ड की, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम हो गया, इन सबको इन बेसिस पे एक ही कॉर्डाटा में, फ्लाइलम में डाला गया, दैट इज कॉर्डाटा. तो अगर इन सब की बात करूँ, इन सब क्लासेस की मैं बात करूँ, तो इनके अंदर एक फीचर कॉमन है, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. ठीक है? तो इन सब के बेसिस पे इनको कॉर्डाटा के अंदर डाल दिया. तो फाइलम में जो लिंक्ड क्लासेस होती हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है, जिन क्लासेस में, उनको डाला जाता है. इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. और यहाँ पे क्या होता है, अगर प्लांट की बात करें तो जो क्लासेस जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं उनको एक हायर कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज डिवीजन में डालते हैं. तो वहाँ पे फाइलम नहीं होता है, वहाँ पे डिवीजन होता है. ठीक है? Now let's move to the highest categories, that is kingdom.
All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. जितने भी different different phyla वाले organisms होंगे, जितने भी animals phyla से belong करेंगे, उनको एक category में डालेंगे kingdom Animalia की category में on the basis of system of animals. मतलब अगर animal को classify करना है, अलग-अलग phyla में जो animals होते हैं, उनको हम kingdom में डालेंगे. तो kingdom क्या होता है? Related phyla. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plant from various division. क्योंकि जैसे कि phylum के अंदर plants include नहीं थे. Plants को जब हम classify करते हैं, division में classify करते हैं, तो वो यही कह रहा है कि different division में जो plants होंगे, उन सब को हम kingdom में डालते हैं. ठीक है? उसने ये लिखा है कि किसके अंदर डालते हैं? Plant kingdom में डालते हैं. तो इसलिए दो group बनते हैं, animal kingdom and plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sounds and scientific placement in various taxa. मतलब उन्होंने बोला कि इस डायग्राम में उन्होंने क्या किया, जो मेन मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको क्लासिफाई कर दिया है हायरार्की लेवल पे. स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम एंड फिर किंगडम. तो एक किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं या डिवीजन होता है. फाइलम यानी आपका आपका एनिमल, ये तो एक होता है एनिमल किंगडम, फिर एक होता है प्लांट किंगडम, फिर फाइलम जो किंगडम के अंदर रिलेटेड आते हैं. एक फाइलम के अंदर कई रिलेटेड क्लासेस होती हैं, क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के अंदर कई सारे रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, फैमिली के अंदर कई सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस के साथ कई स्पीसीज हो सकती हैं. तो ये सब था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, अब उसने यही बोला कि और भी तरह से डिस्टिंग करा गया है, लेकिन इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है. लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल, एस वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्सिस गो ऑन डिक्रीजिंग. जैसे कि अगर आप स्पीसीज से, लेफ्ट में आप देखो, स्पीसीज से आप अगर किंगडम पे जाओगे, स्पीसीज से आप ऊपर गए, तो आपके जो सिमिलैरिटी होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आप स्पीसीज से किंगडम में जाओगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है, फिर ऊपर हल्की सी कम सिमिलैरिटी, फिर कम, फिर कम, फिर कम. तो क्या हुआ, जो सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा थी स्पीसीज की साइड पर, वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज होती जाएगी, और किंगडम तक आते आते वो बिल्कुल कम हो जाएगी. लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर. मतलब जितना लोअर टैक्सा होगा उतनी ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करेगा, और जितनी हायर कैटेगरी होगी उतना ही मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी उनके डिफरेंट टैक्सा के रिलेशनशिप को पता लगाने में. जैसे कि किंगडम है, अब उसमें दो ही होते हैं, प्लांट और एनिमल, तो दोनों काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन अगर आप स्पीसीज की बात करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल जाएगी. इसलिए उसने लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन में वो बढ़ जाती है. तो जितनी लोअर कैटेगरी होता है, जितना लोअर टैक्सा होता है उतना उसके अंदर सिमिलैरिटी मिलती है, जितना वो हाई पे बढ़ जाता है उतनी उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस्टिंक्शन आ जाती है. नाउ टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग. वो दिखा रहा है अलग अलग कैटेगरीज जिसमें अलग अलग वो बिलोंग करते हैं. मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये इनके कॉमन नेम है. बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन दे रखा है. डिवीजन यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, फाइलम यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, और ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उनके नाम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है. ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है. और ये था आपका पार्ट थर्ड द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट 11th बायोलॉजी का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपको 11th 12th की बायोलॉजी के और चैप्टर्स देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट 11th और 12th बायोलॉजी को चेक कीजिए. Thank you so much.